विदिशा जिले के पठारी में सोमवार को समीपस्थ ग्राम पंचायत जाजापोन के सरपंच रितेश जैन को ग्राम जमुनिया के पास से कुछ लोग अपहरण कर ले गए थे, जिसके कारण पठारी क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और विरोध स्वरूप लोगों ने चक्का जाम एवं बाजार बंद भी कर दिया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 आरोपियों पर अपहरण का मामला दर्ज कर सरपंच रितेश जैन को ढूंढने के लिए रवाना किया। महज 10 घंटे बाद ही SDOP ललित सिंह डांगुर एवं थाना प्रभारी ऋतुराज बिछाड़े एवं समस्त स्टाफ की मेहनत के कारण सरपंच रितेश जैन को सकुशल एक खेत से ढूंढ निकाला। हालांकि आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस दौरान पठारी थाने में जैन समाज एवं अन्य समाज के काफी लोग जमा हो गए थे। समस्त जैन समाज एवं क्षेत्र वासियों ने पुलिस प्रशासन एवं समस्त जिले के मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। यहाँ क्षेत्र के सरपंच नितेश जैन का आज सुबह किडनैपिंग हो गया था। उनके अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई थी, लेकिन काफ़ी होश था ग्रामीणों में। पठारी की जो आम जनता थी काफ़ी नाराज थी, उसको देखते हुए हमारे जिले के पुलिस कप्तान श्री दीपक कुमार शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री समीर यादव के कुशल निर्देशन में हमारे सब डिविजन लेवल पर पुलिस टीम ने काम किया। हमारे थाना प्रभारी कोरबई, थाना प्रभारी पठारी, थाना प्रभारी पथरिया और उनके स्टाफ ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और रितेश जैन को सरपंच थे, उनको सकुशल पुलिस ने बरामद किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।